भिखारी ने आके किसान के घर के आगे अलग जगाया, माई खाने को कुछ दो। किसान की घरवाली ने चने का थोड़ा सा आटा ठा के भिखारी को दे दिया। भिखारी आटे को लेके चलता चलता सोचने लग रहा था, मेरा भी के जीना है, ये भी इसकी रोटी बनाऊंगा, पेट भरेगा, इतने फिर भूख लग गया होगी, फिर मांगना, कुत्ते की तरह घर घर हांडना, या भी के जिंदगानी दी भगवान ने। उधर किसान घर पे आया, उसकी घराड़ी ने रोटी परोसी और भिखारी उसने गली में जाता देखा तो घराड़ी तो कहने लगा, मारी भी की जिंदगानी, कितना कमर तोड़ मेहनत करनी पड़े जब जाके दो रोटी का जुगाड़ हो, और यो मोडा फ्री के रोट खा के सोवे ठाठते, मारे तो यो है अच्छा। और सुन, अपना जो बैल है ना, एक तो कती है बुढ़ा हो लिया, इनको ना काम चल रहा इससे कि मैं और जुगाड़ करना पड़ेगा, कि जुगाड़ करेगा इब तू, जाऊंगा वो लाला जी दुकान कर रहा, देखो मदद कर दे तो, सह तो बड़ा हाई वो बहुत ब्याज लाओगा लावेगा, और कोई चवनी दे दे जबकि जानी है। चला गया किसान, राम रामी करके बैठ गया। किस तरह आया चौधरी, अरे सेठ जी क्या का चौधरी भाई, बड़द मेरा बुढ़ा हो गया, एक बड़द से काम ना चल है कि मैं पीछे का जुगाड़ नहीं कर दे। चौधरी मेरे दौरे कितने पीछे आवे थे चवन्नी बच्चे से दिन भर, वो बड़का का खर्चे में लाग जा। ना ना इसी बात ना, चवन्नी की तो बोले तो झूठ, बाकी मैं ब्याज दूंगा खड़ा। लाला जी ब्याज के लोभ में हाँ भर ली और चौधरी का जुगाड़ कर दिया। बैठे बैठे सोचे था, मेरा भी के धंधा से ब्याज के चार पीछे चवन्नी उड़े तक कमा के गुजारा चला रहा हूँ। सेठ तो शहर वाले से, अगले दिन शहर में तो सामान लेन गया, थोक का व्यापारी दौरे बैठा था, उस दौरे फोन आया कि पाछले सौदे में 10,000 बच गए। उम्मीद तो 15 की थी पर 10 से बचन पाए। इतनी आन में दूसरा फोन आ गया कि यो सौदा अच्छा था, 11.5 बच गए इसमें। गांव के बणिए ने सोचा, यार तू तो खाम खाए घुट घुट मरने लग रहा है, व्यापार तो इसका है, लाखा बैठे घरा कमाने लग रहा है। पर गांव वाला बणिया तो चला गया अपने घर। उससे टेम खबर आई कि 17 लाख रुपया का नुकसान हो गया पिछले सौदे में। अब थोक का व्यापारी तो माथा पकड़े बैठा। तो मुनीम ने बताया, सेठ जी शाम ने आज मेयर के घर बर्थडे पर भी जाना से, उस तीन गिफ्ट का भी प्रबंध कर लियो। सेठ का 17 लाख का घाटा पड़ रहा और ऊपर से खर्चा, जाना तो पड़ा। गया उड़े मेयर ने तो कोई तथ पूछी को ना, उड़े मंत्री आ रहा था, मेयर ने तो इतनी फुर्सत भी ना थी कि सेठ जी के गिफ्ट ले आए। दूर तय दुआ सलाम ली, चार छोटे छोटे सलाद के टुकड़े खाए और सेठ जी टेंशन में घर आ गया। पड़ा पड़ा सोचने लग रहा, ठाठ तो मेयर ले रहा था, बैठा बैठा कमीशन आ जाए, हमने तो केक के पापड़ बेलने पड़े सर, फिर भी इतना बड़े बड़े नुकसान झेला, इसके से सही फायदा तू मंत्रियां तो आना जाना और कितना क्यों करना नहीं, अच्छी शहर में इज्जत। उधर सारा का सारा आयोजन खत्म होया तो मेयर माथा पकड़े बैठा, ठाठ तो साढ़े ये मंत्री ले रहे से, मारा तो नाम नाम मेयर का है, सब कहने तो ये जीम जहाँ लोग तो माथा आम मारा। पड़े पड़े सोचने लग रहा था, उधर से मंत्री मेयर का फंक्शन अटेंड करके फोन की तैयारी कर रहा था, इतनी आन में पीए भाजा भाजा आया और उसने आके सूचना दी
कि मंत्री जी कल मंत्रिमंडल का विश्वास विस्तार होने जा रहा है और उड़ती उड़ती सी खबर आई है आपको हटा रहे हैं। मंत्री का तो सारा मजा किरकिरा हो गया, रात भर इधर से उधर चक्कर काटता रहा, तड़का हो गया, के जुगाड़ कर जा किस तरह मुख्यमंत्री ने रोको, कैसे उसकी आंख बंद हो, सारी रात उथल पुथल में काट दी। सुबह सुबह ब्रश करके बाथरूम में से निकलने लग रहा था तो खिड़की में से देखा भिखारी जान लग रहा था, देख के मन में विचार आया है अरे क्या कहा मंत्रालय, ठाठ तो यो ले रहा है, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, जो मिला खा लिया, प्रभु के गुण गाओ और मस्त रहो। ये हमारे जीवन की त्रासदी है, कोई भी तो राजी को ना भिखारी से लेके मंत्री ताई, सब ने एक दूसरे का डर लग गए, छोटा व्यापारी बड़े तो डरे, बड़ा उस तो बड़े तो डरे, फिर वो सब तो बड़े तो डरे, मंत्री तो डरे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लाइन लग गई पड़ी है, सब के दहशत में है। खुशी का तो बेरा है कोई ना, खुशी क्यों, जो भगवान ने चार दिन जीने के दिए थे उसमें मस्ती से रहना चाहिए, कुछ ना धरा इस कंपटीशन में, ये चार पैसे छाती पर धर के कोई ना ले जा। वताई गोशियां बलड़े थी ना, किसी ने रोक दी कि ताई क्यों लड़न लाग रही, तू गोबर में माथा मारन लाग रही, न्यू बोली रे भाई तू इसने गोबर कैसे, रे ये गोशे से जिन्हें मैं छाती पर धर के ले जाएंगी और साथ कुछ ना जाना मेरे बीरा, यह बात इंसान के समझ में आ जा तो उसने खुश रहना आ जा। पराती को ना सहज चाहिए।